दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपने पारिवारिक जीवन को निजी रखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि अब तक वह अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के बीच के रिश्ते पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि पोते करण देओल की शादी के बाद उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बेटियों ईशा और अहाना के लिए उनके हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की, वह पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। ऐसे में हेमा को अपनाने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। अपने दौर के टॉप एक्टर रहे धर्मेंद्र ने जब हेमा से शादी की तो कई तरह की बातें कही गई और दिग्गज अभिनेता को वुमनाइजर तक कहा गया। हालांकि इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी के बाद उनका बचाव किया और कहा, सिर्फ मेरे पति ही क्यों, कोई भी पुरुष चाहेगा कि वह मेरे मुकाबले हेमा को पसंद करे। किसी ने मेरे पति को वुमनाइजर कहने की हिम्मत कैसे की, जबकि आधी इंडस्ट्री यही काम कर रही है। सभी एक्टर्स के अफेयर चल रहे हैं और वो दूसरी शादी कर रहे हैं। धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, हो सकता है कि वह सबसे अच्छे पति ना हो, हालांकि वह मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे पिता जरूर है। उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं, वह कभी भी उनकी उपेक्षा नहीं करते। मैं समझ सकती हूँ कि हेमा पर क्या बीत रही होगी, यहाँ तक कि उसे दुनिया, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं हेमा की जगह होती तो वो नहीं करती जो उन्होंने किया, क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी और माँ के तौर पर मैं उन्हें स्वीकार नहीं करती। प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी आदमी बताते हुए कहा, वह मेरे जीवन के पहले और आखिरी आदमी है, वह मेरे बच्चों के पिता है, मैं उनसे बहुत प्यार और सम्मान करती हूँ, जो हो गया सो हो गया, मुझे नहीं पता कि मुझे इसके लिए उसे दोष देना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बात निश्चित है, वे भले ही मुझसे दूर क्यों ना हो और कुछ भी हो जाए, अगर मुझे उनकी ज़रूरत होगी तो मुझे पता है वे वहाँ रहेंगे, मैंने उन पर अपना भरोसा नहीं खोया है, आखिरकार वह मेरे बच्चों के पिता है।